तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना नितिन निश्चल और आप देख रहे हैं डायटन गिटारिस्ट चैनल। नित्य म्यूजिक भी मेरा लेवल है। सो आज हम अनबॉक्स क्या करने वाले हैं। वैसे तो आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, टाइटल में जो मैंने लिखा हुआ है। आज हमने जो मंगवाया है एयर सोफा का बेड मंगवाया है, तो हम इसको अनबॉक्स करेंगे बहुत ही जल्दी, बिना कोई सवाल किए, बिना कोई जवाब किए हम इसको अनबॉक्स करेंगे बहुत ही जल्दी। तो उससे पहले मैं आप सबके लिए वीडियो सुनाता हूँ अपना टाइम निकाल के। उससे पहले आप सब लोग एक काम कीजिए, मेरे चैनल जाके सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही, ताकि मैं आपके लिए वीडियोस, ब्लॉग सब कुछ बनाता रहूँ जल्दी से जल्दी। पहले आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर बिना टाइम लिए हम शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। सो लेट्स स्टार्ट इट। गाइस, अभी अभी मैंने इसको बॉक्स में से निकाला है। सो ये है हमारा एयर सोफा कम बेड। ये जो है ये बेस्ट वे कंपनी बनाती है, काफ़ी अच्छी कंपनी है ये। इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव होते हैं, मैंने जैसा पढ़ा है। सो इसके साथ हमें बताया तो गया था कि इसके साथ एक जो इन्फ्लेट पंप मिलता है, तो अभी हम चेक करेंगे कि वो इसमें है कि नहीं है। जब मैंने इसको बॉक्स में से निकाला तब तो नहीं मुझे मिला, शायद इसके अंदर पंप होगा हवा भरने वाला, तो हम उसको देखते हैं। तो ये इसके बाहर लिखा हुआ है 5-in-1 एयर काउच विथ एसी एयर पंप। सो जो इसकी लेंथ रहने वाली है वो है 74 inches की, इसकी जो विड्थ है वो 60 inches की, और जिसको हाइट है इसकी हाइट 25 inches की। सो जल्दी से हम इसको खोलते हैं। इसके अंदर एक हमें कैरी बैग मिला है। सबसे पहले निकला है कैरी बैग, ताकि अगर आप आउटडोर जा रहे हैं कहीं पे तो आप इस कैरी बैग में इस एयर सोफा का बेड को लेके जा सकते हैं। तो आपको बेस्ट वे का कैरी बैग मिलता है। और जी हाँ, बिल्कुल आपको इसमें पंप जो है वो मिला है, एयर पंप हवा भरने के। सो बिल्कुल जी, हमें इसके साथ मिला है वाटर पंप। तो वेरी नाइस, ये जो हमें है इन्फ्लेट पंप मिला है इसके साथ, आप देख सकते हैं वैल्यू बहुत ही अच्छा बना हुआ है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। जी हाँ, ये रहा हमारा फाइनली अनबॉक्स किया हुआ बेस्ट वे का एयर सोफा कम बेड। तो आप देख सकते हैं इसको, तो गाइस हमारे पास ये पहुंच चुका है। अब हम जल्दी से इसमें हवा भर के चेक करेंगे कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। सो ये मुझे काफ़ी मुश्किल टास्क लग रहा है, इतना मुश्किल नहीं है तो पंप अपना काम करता रहेगा, बट चलिए देखते हैं इसमें हम हवा कैसे भरेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस पे बैठ के कैसा लग रहा है। सो देखते हैं, चलिए आइए। तब तक आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए हम देखते हैं इस पे बैठ के कैसा लगता है, तब तक हम देखते हैं।
तो लो गाइस, हमारा हवा भरने का इन्फ्लेटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। तो मेरे को स्टूडियो में इसकी नीड थी, क्योंकि मेरे को कभी कभी रात को यहाँ पे काम करना पड़ता था, यहाँ से मेरा थोड़ा घर दूर पड़ता था। तो रात को काम करते करते यहाँ पे हम स्टूडियो में कुछ और चीज़ तो नहीं कर सकते थे, तो उसके लिए बहुत ही सही चीज़ है स्टूडियो में रखना। जो भी मेरे भाई लोग म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। तो जैसे सुबह कोई आए तो उसको सोफ़ा बना डालो, जैसे अभी मैंने सोफ़ा बना रखा है। और शाम को अगर आपको नींद आए काम करते करते, तो आप इसको पलटी कीजिए, बेड बनाएं। और ये आपका बन गया है बेड, वे आराम से लेटें। तो गाइस, ये आज का हमारा था अनबॉक्सिंग एयर सोफा का बेड बेस्ट पिकअप। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरा जो लेटेस्ट सॉन्ग है मंजस सॉन्ग, उसकी वीडियो आ चुकी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जाके देखिए, सुनिए, बताइए कैसा लगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।